नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार ने यात्रियों के लिए खास सुविधा हेतु शिवशाही बस सेवा शुरू की है, लेकिन यह सेवा आम इंसान के बजट के बाहर होने के कारण लोग कम किराया होने की वजह से लाल परी यानी एसटी बस में यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। नासिक के नए बस स्टैंड से राज्य के हर जगह के लिए बस सेवा उपलब्ध है, लेकिन पार्किंग को लेकर चालकों में यहाँ विवाद हो जाने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं वहाँ मौजूद नासिक में मौजूद खबरदार संवाददाता आजाद अवार्ड से। आजाद जी, एक क्या वजह थी इनके झगड़े की, यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी? नासिक का जो सीरियस बस स्थानक है, नासिक का जो सीरियस बस स्थानक है, यहाँ पर भारी मात्रा में जो यात्री राज्य के हर इलाके में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों से जो बाहर की निजी गाड़ियाँ जो बस स्थानक के बीच में आकर खड़ी होने की वजह से यहाँ के जो लाल परी चलाने वाले एसी चलाने वाले जो गाड़ी चालक और कंडक्टर है, इनमें विवाद होने की बार बार जो बातें हैं सामने आ रही है। आज ऐसी स्थिति वहाँ पे निर्माण हुई कि बस बाहर निकलने के लिए जगह नहीं थी, इस वजह से जो कंडक्टर और चालक और दूसरे गाड़ी के कंडक्टर इनमें विवाद हुआ कि आप गाड़ी निकालो, इसकी वजह से पूरा बस स्थानक पूरा जाम हो चुका था। तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कहना था यात्रियों का? यात्रियों का कहना है जो बस दोपहर को 1 बजे चलनी थी वो 2 बजे चल रही है, जो 2 बजे चल रही है वो 2:30 बजे चल रही है, लेकिन जो राज्य के जो परिवहन मंत्री है दिवाकर राव से, इन्होंने लाल परी को अभी आज 50 साल पूरे होने के कारण जो बस के जो चालक माला गाड़ी चालक और कंडक्टर इनके लिए पगार में बढ़ोतरी करने की घोषणा की, लेकिन जो लोगों का कहना है कि लोगों के लिए सुविधा महाराष्ट्र में जो शिवशाही सरकार है वो कब करेगी। तो ये जो रोज झगड़े हो जाते हैं पार्किंग को लेकर के, बाहर की गाड़ियां लगा वहां पे पार्क कर देते हैं लोग, तो इसे कोई स्थायी हल कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती? इस बारे में जो बस डिपो के इंचार्ज है, इन्होंने बार बार पुलिस थाने में शिकायत करने के बावजूद भी जो स्थानीय लोग हैं या उससे जो गाड़ी लगा के वहां से चले जाते हैं, और जब बस बाहर निकलनी होती है तो काफी दिक्कतों का सामना जो बस चालकों को करना पड़ता है, लेकिन इस बारे में किसी प्रकार का हल अभी तक नहीं निकला है। ये शिवशाही सेवा शुरू की गई है यात्रियों की सुविधा के लिए, और इसमें यात्री सफर करना ही पसंद नहीं करते क्योंकि इसका जो किराया है काफी अधिक है, तो इसका क्या हल हो सकता है? सरकार के जो खजाने हैं उसके इसका बढ़ता जा रहा है बोझ नहीं? सबसे पहले तो जो शिवशाही जो बस सेवा चालू की गई है उसका किराया सबसे ज्यादा होने की वजह से जो कुछ चुनिंदा यात्री इसमें यात्रा करते हैं, क्योंकि जो लाल परी का जो बस किराया है वो और शिवशाही का जो बस किराया है इसमें दुगना दाम होने की वजह से लोग शिवशाही में यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो लाल परी चलाई है उसमें ही सुविधा दी तो इसमें और यात्री बढ़ने की संभावना है, लेकिन शिवशाही में लोग बसना पसंद नहीं करते क्योंकि उसका किराया बहुत ज्यादा है। कितने दिन हो गए शिवशाही शुरू करके, और अभी क्या बसों में यात्री मिलते भी हैं कि नहीं? महाराष्ट्र सरकार ने शिवशाही शुरू करके 1 साल हुआ है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जिन लोगों को आराम से यात्रा करनी है और ज्यादा किराया देते जो आराम से जाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है शिवशाही शुरू होकर आम इंसान के लिए कुछ फायदा नहीं है। क्या सुविधाएं हैं बस शिवशाही बस में, विशेष सुविधाएं क्या है? शिवशाही पूर्ण वातानुकूल पूरी एसी बस है और स्लीपिंग कोच होने की वजह से इसमें इसको किराया ज्यादा है, और ये बीच में जो यहाँ से पुणे कुछ बड़े स्थानक है उसके ऊपर रुकती है, और जो लाल परी है इसमें हर जगह पर ये लाल परी रुकती है और लोगों को सुविधाएं मिलती है, लोग छोटे गांव में भी जा सकते हैं लेकिन शिवशाही में बड़े शहरों में यात्रा होती है। जी आजाद अवार्ड जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो शिवशाही बस सेवा यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है सरकार की ओर से, काफी आरामदायक है, लेकिन उसका किराया दुगना से भी ज्यादा होने की वजह से अभी भी लोगों की पसंद एसटी यानी लाल परी बस बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी। देखते रहिए खबरदार।